हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सभी n बिलोंग टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी एन से। माना ये जो हमारा दिया गया कथन जो सिद्ध करना है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, पी एन। यानी पी एन हमारा क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट अंतिम पद है एन इंटू एन प्लस 1, दिस इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 3। अब हम लोग n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं कि ये सत्य है कि नहीं। पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो P1 हमारा क्या होगा, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये हमारा जो बायां पक्ष होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 होगा, और इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 बाई 3। तो P1 जो हमारा हो गया, P1 का जो बायां पक्ष हो गया ये 1 इंटू 2 2 हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 3 6 बाई 3, ये क्या हो गया 2। तो 2 बराबर 2 आ गया, यानी n बराबर 1 के लिए हमारा दिया गया कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए हमारा जो कथन है, जो स्टेटमेंट है या जो फार्मूला है, ये सत्य है। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोग मानते हैं कि n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, ये हम लोग लेके चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, माना n बराबर k, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। इसका मतलब क्या हो, अर्थात पी के जो है ये सत्य है, अर्थात पी के सत्य है, और पी के हमारा क्या होगा, एन की वैल्यू एन बराबर हम लोग क्या रख देंगे, के। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस एन की जगह पे यहाँ पे हम लोग के रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 1, और यहाँ पे n की वैल्यू k रखेंगे तो k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 3। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि दूसरा स्टेप कि n बराबर k के लिए हम लोग मान लिए कि सत्य है। अब हमें सिद्ध करना होगा कि n बराबर k प्लस 1 के लिए ये दिया गया कथन सही है। अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूव कर ले जाते हैं कि दिया गया कथन सही है, तो हमारा सभी n बिलोंग टू प्राकृत संख्या के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। तो अब हमें सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, अर्थात n बराबर k के लिए सत्य होने का मतलब हमको क्या, अर्थात पी के प्लस 1 सत्य है, यानी पी के प्लस 1, तो n की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, k प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट n की जगह पे हम लोग जब k प्लस 1 रखेंगे तो ये हमारा पहला पद हो जाएगा k प्लस 1, और अगले टर्म में k प्लस 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस 2। दिस इक्वल टू, इसमें हम लोग n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये वाला n हमारा क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और अगला जो n प्लस 1 है हमारा k प्लस 2 हो जाएगा, और ये k प्लस 3 बाई 3, क्योंकि n की वैल्यू k प्लस 1 रखे तो ये k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, और ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 यानी k प्लस 3 बाई 3। यानी अब हमको ये जो है लाना है कि दिस इक्वल टू दिस, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं पी के और पी के प्लस 1 में केवल एक टर्म, इसमें पी के प्लस 1 में ये लास्ट वाला टर्म जो है, ये पद जो है, यही केवल ज़्यादा होता है।
तो अगर k प्लस वन k प्लस टू हम लोग जो है पी के दोनों पक्षों में जोड़ दें तो हमारा बायां पक्ष ये मिल जाएगा पी के प्लस वन। तो जो पी के हम लोग लेके चलते हैं यानी वन इंटू टू, क्योंकि पी के सत्य है तो इसको हम लोग लेके चल सकते हैं और हमको लाना क्या है ये पी के प्लस वन जो हमने लिखा है। तो जो पी के हमारा है ये लास्ट वाला पद के इंटू के प्लस वन, दिस इक्वल्स टू के इंटू के प्लस वन के प्लस टू बाई थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में इसमें पी के प्लस वन का जो अंतिम पद होगा वही जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे अगला स्टेप, दोनों पक्षों में k प्लस वन इंटू के प्लस टू जोड़ने पर, तो ये हमारे पास अब क्या मिलेगा इसमें दोनों तरफ k प्लस वन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट, ये हमारा k इंटू के प्लस वन था प्लस हम लोगों ने क्या जोड़ा k प्लस वन के प्लस टू। तो ये बाया पक्ष हो गया और दाया पक्ष हमारा क्या था k k प्लस वन के प्लस टू बाई थ्री, और इसमें हमने क्या जोड़ा k प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब हम लोग ये वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट k प्लस वन के प्लस टू, अब ये दाएं पक्ष को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है ऊपर नीचे तीन से गुणा करके एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा k k प्लस वन k प्लस टू बाई थ्री प्लस थ्री k प्लस वन k प्लस टू बाई थ्री, और ये हमारा अब हर बराबर हो गया तो जुड़ जाएगा अंश। तो k k प्लस वन k प्लस टू प्लस थ्री टाइम्स k प्लस वन k प्लस टू बटा पूरे का बटा तीन, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस वन। अब k प्लस वन इंटू के प्लस टू दोनों से जो है हम लोग बाहर निकाल लेते हैं कामन, तो k प्लस वन इंटू के प्लस टू कामन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ पे प्लस थ्री, तो अगला हो जाएगा हमारा k प्लस थ्री बाई थ्री। तो यही तो हम लोगों को पी के प्लस वन हो गया, ये वन टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री के प्लस वन के प्लस टू बराबर हमारा क्या आना चाहिए था k प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री बाई थ्री। तो ये हमारा आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर के प्लस वन के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है अर्थात सभी n बिलोंग टू n के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। तो सारे क्वेश्चन में एक ही स्टेप होता है, एक ही तरीके से हम लोग करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, दिए गए स्टेटमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं पी एन, और उसके बाद फिर एन बराबर वन के लिए चेक करते हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं, फिर हम लोग एन बराबर के लिए मान लेते हैं कि दिया गया कथन सत्य है, और उसकी हेल्प से हमको सिद्ध करना रहता है कि एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। अगर एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको सिद्ध करना है वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस डॉट डॉट प्लस अंतिम पद है टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस वन बाई थ्री। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है इसको हम लोग पी एन लिखते हैं, माना ये हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है पी एन है यानी वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सेवन, ये हमारा अंतिम पद है टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन, दिस इक्वल टू एन इंटू
4n² प्लस 6n माइनस 1/3। अब हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं n बराबर 1 के लिए, यानी p 1 हमारा सत्य है कि नहीं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो केवल हमारा पहला ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा 1 × 3 होगा, एक ही पद मिलेगा n बराबर 1 रखने पे। और इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो 1 × 4 × 1² प्लस 6 × 1 माइनस 1/3। तो ये हमारा p 1 क्या हो गया, 1 × 3 3, और ये 4 × 1² 4, और 6 × 4 = 10 में से एक गए 9 9/3 3, तो 3 = 3, यानी n बराबर 1 जो है हमारा के लिए दिया गया कथन सत्य है। RHS और LHS बराबर आ रहे हैं n बराबर 1 के लिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, ये हम लोग मानते हैं। माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात जो pk होगा, pk ये सत्य है। और pk हमारा क्या होगा, pk हमारा होगा 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस डॉट n की जगह पे हम लोग यहाँ पे k रखेंगे तो 2k-1 2k+1 इक्वल टू k इंटू 4k² प्लस 6k-1/3। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको सिद्ध करना होगा कि n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अब हमें सिद्ध करना है कि n बराबर k+1 सत्य है, अर्थात pk+1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस डॉट। अब यहाँ पे हम लोग n की जगह पे क्या रखेंगे, k+1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × k+1 - 1, और ये हमारा हो जाएगा 2 × k+1 + 1। और यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू क्या रखेंगे, k+1, तो ये हमारा हो जाएगा k+1, और अगले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 4 × k+1² प्लस 6 × k+1 - 1 ब्रैकेट बंद और पूरे का बटा 3। तो ये pk+1 यानी 1 × 3 प्लस 3 × 5 ये हमारा लास्ट पद क्या हो जाएगा, 2k+2 - 1, तो 2k+2 से -1 घटाएंगे 2k+1, और 2k+2 + 1 हमारा हो जाएगा 2k+3। ये तो बायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष हमारा क्या हो गया, k+1 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में हमारा क्या है, 4 × k+1² तो 4 × k² + 1 + 2k, और प्लस 6 से मल्टीप्लाई के 6k+6 - 1 ब्रैकेट बंद पूरी का बटा 3। दिस इक्वल टू k+1 × ये हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4k² + 4 + 8k + 6k + 6 - 1 हमारा क्या हो गया, 5 ब्रैकेट बंद पूरी का बटा 3। यानी जो हमारा pk+1 आ गया, जो हमको सत्य सिद्ध करना है, pk+1 हमारा जो हो गया 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस डॉट प्लस 2k+3 दिस इक्वल टू ये हमारा आ गया k+1, ये हो गया एक ब्रैकेट में, फिर 4k² ये हम लोगों का 4k² प्लस 8 से 14k + 9 ये हमारा क्या हो जाएगा, 4k² प्लस 14k + 9 पूरे का बटा 3। अच्छा, इसको हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये हम लोग k से पहले करेंगे तो 4k³ प्लस 14k² प्लस 9k प्लस 4k² 1 से करेंगे तो प्लस 14k + 9/3। तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया 4
के क्यूब प्लस 14 4 18 के स्क्वायर प्लस 14 9 23 के प्लस 9/3, ये हमारा क्या है पी के प्लस 1, यही हमको सिद्ध करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम लोग जो है राइट हैंड साइड को लिख लिए कि क्योंकि हमको फाइनली जो है क्या लाना है ये क्लियर रहे, 2k + 1 2k + 3 दिस इक्वल टू दिस, यही हमको क्या है सिद्ध करना है, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना रहता है पी के प्लस वन वो हम लोग लिख लेते हैं, इससे क्या होता है आसानी होती है कि हमको कहाँ पहुँचना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पी के हम लोग सत्य है तो पी के हम लोग लेके चलते हैं 1 × 3 + 3 × 5 2k - 1 2k + 1 दिस इक्वल टू दिस, समीकरण एक से हम लोग लेके चलते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक का यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि समीकरण एक हम लोग का सत्य है। तो समीकरण एक से 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + 2k - 1 2k + 1 दिस इक्वल टू के इंटू 4k² + 6k - 1/3। अब पी के और पी के प्लस वन के अंतिम पद में हमारा क्या डिफरेंस है, ये 2k + 1 × 2k + 3, ये हमारा पी के प्लस वन है। अगर हम 2k + 1 2k + 3 जो है पी के दोनों पक्षों में जोड़ दें तो बायां पक्ष हमारा पी के प्लस वन का बायां पक्ष मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2k + 1 × 2k + 3 जोड़ने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + 8, ये हमारा कहाँ तक हो गया 2k + 1 × 2k + 3 तक। दिस इक्वल टू k इंटू 4k² + 6k - 1/3 प्लस, अब हम लोगों ने क्या कर दिया 2k + 1 × 2k + 3 जो है जोड़ दिया। अब इसको हम लोग एलसीएम जो है जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 3 से इसमें गुणा और 3 से भाग, हर बराबर कर लेते हैं, तो जो हर बराबर हो जाएगा तो अंश जुड़ जाएगा, और k से इसमें गुणा भी कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 4k³ + 6k² - k + 3 × 2k + 1 2k + 1 2k + 3 और पूरे का बटा 3। दिस इक्वल टू हमारा हो गया 4k³ + 6k² - k + 3 ×, अब 2k से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k × 2k हमारा हो गया 4k² + 2k से 3 में किए तो 6k + 1 से करेंगे तो 2k + 3 और पूरे का बटा 3, तो ये हमारा हो गया 4k³ + 6k² - k + 3 × 12k² + 18k + 6k + 9 और पूरे का बटा 3। और समान पद हम लोग इकट्ठा कर लें तो ये 4k³ + 12 6 18k² और 18 से 24k - k 23k हो गया +23k + 9/3। और यही तो हम लोगों को लाना था क्योंकि पी के प्लस वन हमारा फाइनली क्या आया था 4k³ + 18k² + 23k + 9/3, तो ये हमारा आ गया दोनों पक्ष जो है हो गया, यानी पी के प्लस वन जो हमको सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। अर्थात हम लोग कहेंगे कि n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, अतः सभी एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य होगा, यही स्टेप ही होता है हमारा।